से सत श्रीकाल। आज आपका भाई फिर से एक नया टैलेंट को ले गया है हमारे गीतार भाई। आप लोग सभी से कहूँगा भाई, आप इनका रैप देखना, रैप सुनना, फील करना, उसके बाद इनको सपोर्ट करना और ज़्यादा ज़्यादा इनकी सपोर्ट करना इनको भाई। मेरी माँ ने मुझे पाला तो पिता ने है संभाला, बड़ा मुश्किल ये कहना कि किसका भारी है पाला। दोनों के ही प्यार से लगता फ्यूचर अपार, जो कल तक दिख रहा था मुझे बिल्कुल ही काला। बना दिया, पढ़ा दिया, अब खुद ही काबिल बनना है। मम्मी पापा की उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। बलिदान जो दिया है माँ पापा ने अपने सपनों का, खुदा की कसम उनका हर सपना पूरा करना है। 6 साल की उम्र तक पिता का साया न सर पे, मैं और मेरे साथ माँ अकेली रहती घर पे, सिर्फ इसलिए कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल आबाद रहे। मेरा बापू खड़ा रहा सीना तान के बॉर्डर पे। हाँ, कैसे मैं भूल जाऊं कि क्या क्या वो खोया है। ना जाने कितनी रात को बिना तक के लिए सोया है। मैं मान लूं जो कुछ और अगर दे नहीं हो पाए तो सच्ची बताऊं मुझसे ज्यादा खुद को रोया है। माँ की तो क्या बात करूं, मैं जितना बोलूं उतना कम खत्म हो जाएगी। मेरी कलम पर तारीफ ना होगी कब, बेशक उस पे गिर पड़े मेरे बोझों के कितने भी पत्थर पर, मेरे दर्द के आगे उसको खुद के दर्द लगने हैं कम। आज वो खोटा सिक्का कल चमकूंगा जरूर, ये रोकेंगे मुझे पर माँ मैं देखूंगा जरूर। महाकाल की सौगन चाहे देनी पड़े ये जान, आपका राजा बेटा राजा बनेगा जरूर। ये ट्रैक एक्चुअली बेसिकली हर बंदे के बचपन के ऊपर है। जो चीज़ें गुजरती हैं वो लौट के वापस नहीं आती, तो उस चीज़ के ऊपर है। बचपन में समय तो काफ़ी था पर थी सारी पैसों की कमी। अब पैसे तो काफ़ी है जेब में पर खो नहीं समय की कमी। कमी पड़ रही उन हाथों की जिन हाथों से खाना खाता था। कमी पड़ रही उन बातों की जिन बातों में डांटे खाता था। 7 बजे उठ भाई फंसता वो कंधे पे बंदे पे बोझ काफ़ी सारा था। फिर भी मगन पूरी थी लगन क्योंकि क्रश को जाके पटाना था। वो उम्र का जब किसी बात की न खबर शक्ति मान देखने को करता सफर। फिक्र न किसी बात की उठा लिया पल्ला और कम से कम ने तोड़ दिया कल्ला। 1000 के जूते हैं पैरों में पर नंगे पाँव वाली फील नहीं। आज फोन है टच वाला हाथों में पर तार वाले फोन की फील नहीं। आज ले रहा मजे में बारिश के एक बंद कमरे में बैठ के पर बारिश वाली कीचड़ में गिरने वाली आरी फील नहीं। हाँ, कील नहीं चुभती है अब मेरे इन नंगे पैरों में। चुभती है ये बात मैं ढूंढूं अपनापन इन गैरों में। बचपन को तो खो चुका हूँ मैं काफी पहले, अब डर है खुद को भी ना खो दूं इन आधुनिक शहरों में। हाँ, पैरों में निपट कर सोया करता था मैं माँ के। मेरी माँ थी सुलाती मुझे लोरियां सुना के। अब बड़े बड़े दर्द ये लड़का चुपचाप सह लेता है, जो छोटे मोटे दर्द भी बताता था चिल्ला के। चिल्लाता है वो आज भी मेरे भीतर ही कहीं। वो 10 साल का कौशिक बैठा इधर ही कहीं बैठे वो देख देख मुझे सोच रहा ना बनना मुझे बड़ा साला बचपन ही सही। एक्चुअली ये वाला रैप जो है प्री रिटन बार्स है, ठीक है। ये मैंने कल रात में लिखा बेसिकली, तो मतलब मेरे को पता था कि आज मुझे यहाँ आना है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया। तो ये वाला मैं थोड़ा देख के सुनाऊंगा एंड थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भाई मेरी जब तक कलम में सिखाई चलती रहेगी पन्नों पे लिखाई। माँ मुझे बोले तू सोया नहीं अभी तक बिना लिखे कुछ कभी नींद न आई। हम लेखक है कलम से सच ही निकलता है, कलम तो झूठे को फर्क भी नहीं देता है। देता है वही जो सच हो, कड़वा सा बातें लग जाए बोली ये भी हो सकता है। शुरू की लिखावट मैंने जब 16 साल का सजाया फिर शब्दों को जैसे अलका सा। पहला गाना लिखा मजाक मेरा बन गया, बोला फिर सब लेकर लिखा बकवास सा। ये लड़का वहाँ से आगे बढ़ गया 3 साल लिए अजय लेखक में बन गया 3 साल और ना देखो मैं कहाँ होऊंगा। सपने पूरे किए बिना चैन से न सोऊंगा। तो मिलते हैं कौशिक भाई से हमारे। हेलो एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि मतलब आज मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे मैं एक इंटरव्यू देने आया हूँ। एंड भाई हमारे टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, मैंने इनको देखा, मैंने मतलब सेवा वगैरह भी करते हैं, मैंने इनकी वीडियोस भी देखी तो मुझे अच्छा लगा। तो इन्होंने मेरे को अप्रोच किया, इन्होंने मेरे से जब पहली बार पूछा मैंने तभी भाई आपको शायद हाँ बोला था कि मैं पहली बार ही मैंने हाँ बोला। मैं बताऊँगा मेरे घर में कौन कौन है। मेरे घर में एक्चुअली पापा हैं, एक्स सर्विस मैंने पहले आर्मी में दे, मम्मी आर्मी में, सो जवान है वेलकम, जय जवान जय किसान। तो आर्मी में थे, अभी एक सर्विस मैन है। मम्मी हमेशा से हाउसवाइफ रही एंड छोटा भाई है एक, वो अभी 9th क्लास में अभी पढ़ ही रहा है। एंड मैं अभी कॉलेज में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ AKTU से। आपने देखा ही हमारे कौशिक भाई हैं और बहुत अच्छा रैप करते हैं यार, एक अच्छा टैलेंट है उनके अंदर। तो ये टैलेंट को एक सोशल मीडिया पे हम सभी को मिलकर
सपोर्ट करना चाहिए भाई प्लीज, और इनको सपोर्ट करें, इनके टैलेंट को सपोर्ट करें, बहुत अच्छा रैप करते हैं भाई, और इनका चैनल है के स्टार के नाम से, तो भाई इनको सपोर्ट करें, के स्टार का चैनल इनका यूट्यूब चैनल है, और मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा इनके यूट्यूब चैनल का, तो भाई इनको यूट्यूब चैनल पर फॉलो करें यार, इनको सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा टैलेंट है यार, इनके टैलेंट को रुकना नहीं चाहिए भाई, इनके टैलेंट को शेयर करते रहें और लोगों तक पहुँचाएँ, टैलेंट को आगे तक पहुँचाने की कोशिश करें भाई, और मैं और जो भी भाई कोई जिसके पास कोई ऐसा टैलेंट हो तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें भाई, मैं उसको टैलेंट को सोशल मीडिया पर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।